हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वीके लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूँ कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें। फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूबर्स क्या होते हैं, वीडियो शूट कर लिए, एडिट कर लिए, अब बारी है अपलोडिंग की। तो अपलोड कैसे करें, आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि अपलोड कैसे करें। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हों वो उनको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आए, वीडियो शूटिंग से लेकर वीडियो पब्लिक करने तक जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितने भी ऐसे कि टाइटल कैसे लगाना चाहिए, टैग्स क्या होंगे, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, थंबनेल क्या होना चाहिए, कैसे आए बनाए, इन सारे प्रॉब्लम्स को मैं अपने वीडियो बना के वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, और जिससे कि मेरे व्यूवर्स कि को कहीं और की या फिर किसी और का वीडियो सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं और से वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अब भैया हम इस पर वीडियो बना लिए, थंबनेल कैसे लगाए, हम वीडियो बना लिए, अब हमारे बारी है टैग्स की, टैग कैसे लगाएं, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाएं, अब वीडियो कहीं और सर्च करना पड़े। तो मैं सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा और अपने इस प्लेलिस्ट में रखूंगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ से यूट्यूब ओपन कर लेंगे। अब YouTube ओपन करने के बाद ये जो बीच में सर्कल में प्लस का आइकॉन दिखा रहा है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि ना, तो अपलोड करने के लिए जो भी हमको वीडियो चूज़ करना होगा, अभी रिकॉर्ड के लिए लेंगे। जैसे कि मैं कोई सा वीडियो ले लेता हूँ, ये मैं अपना वीडियो ले लेता हूँ। अब ये मेरा वीडियो अपलोड के लिए रेडी है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो दिखा रहा है, यहाँ पे अपलोड के लिए रेडी है, और यहाँ देख लेंगे मेरा अनलिस्टेड है कि नहीं। अनलिस्टेड करने से ये होता है कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा वो अभी पब्लिक नहीं होगा, मतलब सबको दिखाई नहीं देगा। पब्लिक करने से पब्लिक हो जाएगा, सबको दिखाई देगा। अनलिस्टेड करने से केवल हम ही देख सकते हैं। प्राइवेट में भी यही ऑप्शन होता है, लेकिन अनलिस्टेड में बेटर होता है। और यह शेड्यूल्ड में टाइम सेट रहता है, पब्लिक करने का टाइम सेट कर दीजिए आप, अपलोड करके वो उतने टाइम पर पब्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ पे अनलिस्टेड चूज़ करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर आ गया नेक्स्ट में, इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, क्या ये मेरा वीडियो बच्चों के लिए बनाया गया है। अगर बच्चों के लिए बनाया गया तो एस, और नहीं बनाया गया तो नो, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, तो मैं नो कर देता हूँ। मैं एक रैंडम वीडियो लिया हूँ आप लोगों को बताने के लिए। उसके बाद ये दिया है नीचे ऑप्शन, डू यू वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट योर वीडियो टू एन अडल्ट ऑडियंस, मतलब पूछ रहा है कि ये क्या ये वीडियो सब कोई देख सकता है, छोटे से बड़ा देगा या 18 प्लस वीडियो है। मेरा वीडियो नो, डोंट रिस्ट्रिक्ट, मेरा रिस्ट्रिक्ट मत करिए, यह सब देख सकते हैं, इसमें कोई प्राइवेट चीज़ नहीं है। अब यहाँ से अपलोड का जो ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ से हम अपलोड करेंगे। ये देखिए प्रिपेयरिंग हो रहा है, अपलोड हो रहा है। अब हम यहाँ से अब वाइटी स्टूडियो ओपन करने के बाद ये मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा प्रोसेसिंग वीडियो, जो ये वीडियो है अभी प्रोसेसिंग में है, मतलब कि अभी वो डाउनलोड हो रहा है। तो तब तक हम अपने ये सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये इस वीडियो का कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जो मेरा टाइटल होगा उसका टाइटल नाम दे देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना मैंने वीडियो में बताया है, मेरे एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखो वो मैं बता चुका, आप लोग देख लीजिएगा। अनलिस्टेड है, और बाकी प्लेलिस्ट किस में ऐड करना है, फॉर न्यू यूट्यूबर्स में मुझे ऐड करना है, तो उसमें क्लिक कर दिया। अब बैक देंगे, हो गया मेरा फॉर न्यू यूट्यूब। अब जो टैग्स लगाने हैं टैग्स भी लगा देंगे, उस पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए। तो अभी वीडियो डाउनलोड हो रहा है, और फिर उसके बाद ये जैसे मैं टाइटल दे देता हूँ, वीडियो
कैसे? अपलोड करें, ये अगर मेरा टाइटल रहेगा तो ये जो शेप ऑप्शन ब्लू हो गया है इस पे जाके क्लिक कर देंगे, ये हो जाएगा अब मेरा शेप। अभी तक मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है। अपलोडेड वीडियो प्रोसेसिंग, प्लीज़ वेट, प्रोसेसिंग पे है अभी, तो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसका अगर हम थंबनेल चेंज करना चाहेंगे तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। अभी मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है इसलिए नहीं ऑप्शन दे रहा है, नहीं तो यहाँ पे जो कस्टम थंबनेल दिया है इस पे क्लिक करेंगे तो वो गैलरी में आ गए हम यहाँ से। और जो भी हम थंबनेल चूज़ किए होंगे उसको हमको उस पे पुट कर देना है। जैसे मैं इमेजेस पे जाता हूँ, कैप्चर, ऐसे में लास्ट वीडियो का है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो गया। अब इसे सेलेक्ट कर दी, देखिए मेरा थंबनेल भी लग गया अब इस पे। और इसके बाद सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, ये वीडियो मेरा सेव हो गया। अब हम ये तो मैं रैंडमली बताया था आप लोग के लिए वीडियो लेकर, ये मेरा कोई वीडियो नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो ऐसे सेटिंग्स करना है आप लोग को, अपलोड वीडियो ऐसे करना है, और जो कि मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वीडियो कैसे अपलोड करें यूट्यूब पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।